केडिया जिले के डुमरिया प्रखंड के डाक बंगला में दानिश निषाद के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड स्तर पर बैठक की गई। राजद विंग के डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष प्रसाद ने कहा कि आज जो देश में हो रहा है वो विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। उन्होंने वहीं पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुख्य विचारधारा पर मौजूद लोगों को अवगत कराया। वहीं डुमरिया प्रखंड के युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष दानिश निषाद ने खुले शब्दों में कहा कि राजद एक सहयोगी पार्टी है जो जनता के साथ साथ अन्य पार्टी के लोग की भी सहयोग करती है। इसलिए केंद्र को लालू की अच्छाई देखी नहीं है, इसलिए उन्होंने झूठे मुकदमे में साजिश के तहत लालू यादव को फंसा दिया। जो सच्चाई शीघ्र ही जनता के सामने आएगी। इस बैठक में आसिफ खान, जुम्मन खान, साजिद आदि कई गणमान्य नेता मौजूद थे। तीन को जो रखा गया है बैठक राष्ट्रीय जनता दल का, ये पूरे बिहार में हमारे प्रदेश पर निर्धारित समय दिया गया था कि 10 तारीख को हर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल का बैठक किया जाएगा। उसी तहत जो है तो आज हम लोग बैठक रखा है यहाँ। अब बैठक का पर्पस है चुनावी बैठक है, चुनाव नज़दीक आ गया है, सभी को एकजुट करना, जोड़ के रखना और जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की विफलता है उसको सभी जनता में बताना और अपने कार्यकर्ता को यही निर्देश दे रहे हैं कि जो सरकार का उपलब्धि हमारे लालू जी का रहा था, आवाज तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए अपने आप के जीवन को जेल में बिता रहे हैं, किसके लिए बिता रहे हैं, ये सारी जनता को बताने के लिए हम लोग बैठक रखा है कि सभी को गांव में जा करके सबको जागरूक करें और जा करके बताएं कि आने वाले चुनाव में जो ये सरकार की विफलता, यह सरकार जो है मनमानी जो कर रही है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आह्वान किया। हमारे रामचंद्र पूर्वे जी के आह्वान पे, जिसमें हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं और विपक्ष को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है और सारे कार्यकर्ता यही निर्देश दिया जा रहा है कि उसे काम करें, बुलाते हुए एक होकर सारे विंग मिल करके काम करेंगे।